हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में पेमेंट सीट की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ के बारे में कि नीट 2023 में कितने मार्क्स और कितनी रैंक तक पेमेंट सीट मिलने के चांस है राजस्थान की जो राजमेस की कॉलेजेस हैं उनके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान में जो पेमेंट सीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है। गवर्नमेंट सीट की जो कट ऑफ है वो सिर्फ इस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि कितने मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं और कितना बच्चों ने स्कोर किया है। और जो ये पेमेंट सीट की कट ऑफ है ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है कि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। फाइनेंशियल कंडीशन अगर लोगों की अच्छी है तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की कम है तो फिर कट ऑफ लो चली जाएगी। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन का फैक्टर भी आ जाता है, तो इसको भी अपन कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन इससे पहले अपन प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं कि 2022 में क्या कट ऑफ रही थी। तो 2022 में जो जनरल की कट ऑफ है वो 52,543 और 544 मार्क्स में मिल गई थी, और ओबीसी के अंदर 56,887 ऑल इंडिया रैंक और 538 मार्क्स तक मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54,188 रैंक और 542 मार्क्स तक मिल गई थी। ये सारी जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये बॉयज की कट ऑफ है। गर्ल्स की कट ऑफ भी मैं साइड में बताता जाऊंगा कि गर्ल्स की कट ऑफ जो जनरल की होती है वो 8 से 10 नंबर हाई जाती है। जैसे 544 पे था तो पिछली बार 561 पे गर्ल्स को मिला था लास्ट कॉलेज, जो सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड में मतलब मोपअप या स्ट्रीम में ना के बराबर सीट बचती है, और बचती है उन पे भी कट ऑफ हाई चली जाती है। तो जो लो कट ऑफ है वो राउंड टू में अपन को देखने को मिलती है ज़्यादातर। तो ये जो कट ऑफ है ये जनरल की 544 गई थी सेकंड राउंड के अंदर बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 561 गई थी। गर्ल्स की कट ऑफ हाई रहती है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के केस में, क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादा कॉलेज दिलाना प्रेफर करते हैं घर वाले होम स्टेट के अंदर, इसलिए गर्ल्स की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। फिर ओबीसी के अंदर अगर 538 गई थी बॉयज की, तो गर्ल्स की 539 या 540 के आसपास रही थी, 539 रही थी लगभग कट ऑफ। तो ओबीसी में गर्ल्स में बॉयज में इतना फर्क देखने को नहीं मिला था पिछली बार। और ईडब्ल्यूएस में 542 गई थी बॉयज की, तो गर्ल्स की 8 से 10 नंबर हाई देखने को मिली थी अपन को ईडब्ल्यूएस के अंदर भी। यहाँ पे गर्ल्स की कट ऑफ ज्यादा जाती है बॉयज के कंपैरिजन में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में इतना फर्क नहीं रहता, 2-3 नंबर का रहता है, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 से 10 नंबर का फर्क रहता है। और एमबीसी बॉयज की बात करें तो 58,662 ऑल इंडिया रैंक और 536 मार्क्स में मिली थी। गर्ल्स की कट ऑफ और भी डाउन गई थी इससे, 523-24 मार्क्स के आसपास गर्ल्स को मिला था, यहाँ पे 523 मार्क्स के आसपास मिला था। एससी कैटेगरी की अपन बात करें तो 2,10,060 पे मिली थी ऑल इंडिया रैंक पे, और 374 गई थी कट ऑफ जो मार्क्स है वो। एसटी के अंदर बात करें तो 1,80,269 और 399 मार्क्स पे मिली थी। ये एसटी की कट ऑफ एससी से हाई गई थी पिछली बार, और जाती है पेमेंट सीट के मामले में, गवर्नमेंट सीट के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिलता, एसटी की डाउन जाती है एससी की ऊपर जाती है। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है। और एससी एसटी के अंदर जो गर्ल्स की कट ऑफ है ये बॉयज की है जो स्क्रीन पे दे रखी है वो 5 से 7 नंबर कम जाती है। एससी एसटी में 5 से 7 नंबर कम जाती है, एमबीसी में 8 से 10 नंबर कम जाती है, बाकी इनमें हाई जाती है कट ऑफ, गर्ल्स की कट ऑफ हाई देखने को मिलती है। अब आगे अपन बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं और 2023 में क्या रह सकती है कट ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने तक मिलती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ डाउन रहती है तो पेमेंट सीट की कट ऑफ भी डाउन रहती है। दूसरा, कॉलेज कितने खुलते हैं, न्यू मेडिकल कॉलेज कितने खुलते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि राजस्थान में जो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं वो राजमेस के ही खुल रहे हैं जिनमें पेमेंट की और गवर्नमेंट की सीट बराबर होती है। तो इसलिए जो नए कॉलेज खुलते हैं उनमें 35 सीटें गवर्नमेंट की खुलती है जो स्टेट क्वाटा से भरी जाती है, और 35 सीटें लगभग पेमेंट की खुलती है। तो इस साल नई कॉलेज कितनी खुली है, 5 नई मेडिकल कॉलेज खुली है इस बार। 5 मेडिकल कॉलेज कौन कौन सी, एक तो दौसा खुली है, एक करौली खुली है, एक हनुमानगढ़ खुली है, एक अलवर खुली है और एक बूंदी खुली है। इन सब में 100-100 सीटें इंक्रीज हुई है, जिनके अंदर से 15 तो ऑल इंडिया क्वाटा के अंदर है, 35 पेमेंट के अंदर है, 35 गवर्नमेंट स्टेट क्वाटा के अंदर है और 15 एनआरआई के अंदर है। तो अपन 35-35 की बात करें तो 35 × 5 175 जो सीट है वो गवर्नमेंट की बढ़ गई है और 175 सीटें ही पेमेंट की बढ़ गई है। तो इन दोनों का ही फर्क इस पे पड़ने वाला है पेमेंट सीट की कट ऑफ पे। तो पेमेंट सीट की कट ऑफ डाउन जाएगी इस फैक्टर के कारण, और गवर्नमेंट की डाउन जाएगी तो पेमेंट की भी डाउन जाएगी। तो ये दोनों फैक्टर यहाँ पे हो गए। तीसरा फैक्टर होता है कि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है लोगों की, अगर लोगों के पास पैसा है तो वो सीट उठा लेंगे और कट ऑफ हाई चली जाएगी, पेमेंट सीट की कट ऑफ इस पर डिपेंड करती है।
अब क्या है कि 2022 में 2021 के मुकाबले पेमेंट सीट की कटऑफ काफी डाउन चली गई। 2021 में पेमेंट सीट की कटऑफ 570 मार्क्स पे गई थी। यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 570 जो मार्क्स थे वहां पे मिली थी और 34,000 के समथिंग रैंक थी, यहाँ पे 2021 में मिली थी। लेकिन 2022 में आपने देखा इतना डिफरेंस आ गया है, 52,543 और 544 पे मिली है, तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। ये किस वजह से हुआ? ये हुआ था कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन काफी डाउन चली गई, इस वजह से बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाए पेमेंट सीट। लेकिन अब 2023 में क्या होगा, लोग धीरे धीरे ट्रैक पे आ गए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो गई, तो अब वो अफोर्ड कर पाएंगे लगभग। इस वजह से जो कट ऑफ है वो हाई जाने के चांस है, ये फैक्टर कट ऑफ को हाई करेगा। अब ये तीनों फैक्टर आपस में डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो राजस्थान के अंदर क्या सीन बन सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन तो इम्प्रूव हुई हुई है, न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी खुली हैं, तो उससे भी फर्क पड़ेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ डाउन जाएगी उसका भी फर्क पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ डाउन जाएगी उसका कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है राजस्थान के अंदर ही बच्चे स्टेट कोटा के राउंड 2 में सीट ले लेते हैं। पिछले साल भी ऐसा देखने को मिला था, वो एक फियर ट्रेंड बन गया था, उसका वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ के बारे में है वो, उसमें पूरा ट्रेंड दे रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो उस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ हाई चली गई थी, लेकिन इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, हाई कट ऑफ जाने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की राजस्थान में। इसलिए जो ये 175 गवर्नमेंट वाली है ना, इनका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ओनली पेमेंट वाली जो 175 होंगी ना उनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कट ऑफ अपन ओवरऑल माने तो पिछली बार से तो डाउन रहने वाली है, क्योंकि पेमेंट सीट बड़ी है, 175 पेमेंट सीट काफ़ी ज़्यादा होती है, उन पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन का जो गैप होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। जो 60 बच्चे होते हैं, एवरी 60 बच्चे होते हैं ना, उनमें से एक ही बच्चा अफोर्ड कर पाता है जो पेमेंट सीट होती है उसको, तो इसलिए है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का। तो अपन कट ऑफ में एक्सपेक्टेड आपको बताऊँ कैलकुलेशन के हिसाब से, तो इन तीनों फैक्टर को अपन कैलकुलेट करके अगर कट ऑफ डिसाइड करें तो इस बार 2023 में जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 61K से लेके 62,000 रैंक तक रह सकती है, 61,000 से लेके 62,000 रैंक तक रह सकती है। और मार्क्स की बात करें तो 556 या 554 मार्क्स पे आपको मिल सकती है, 556 से 554 के बीच में। अगर ओबीसी की बात करें तो अपन 60,000 से लेके 61,000 रैंक के बीच में अपन मान सकते हैं। मार्क्स की बात करें तो 555 और 554 तक आपको देखने को मिल सकती है जो कट ऑफ है वो। EWS की अपन बात करें तो वो जनरल के आसपास ही रहने वाली है, 61K से 62K के बीच में, वही सेम आपके मार्क्स 556 से 554 मार्क्स रहने वाले हैं। तो ये कट ऑफ आप, मैं बॉयज़ की बता रहा हूँ, गर्ल्स की कट ऑफ इसमें इंक्रीज मान लीजिए थोड़ी, यहाँ पे 554 है तो 560 चली जाएगी गर्ल्स की कट ऑफ, क्योंकि गर्ल्स की कट ऑफ हाई रहती है और गर्ल्स को ज़्यादा प्रिफर करते हैं पेरेंट्स अपने होम स्टेट में कॉलेज दिलाना, तो वो पेमेंट सीट भी दिला देते हैं, इस वजह से क्या है उनकी कट ऑफ गर्ल्स की हाई रहती है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है। एमबीसी की अपन बात करें तो एमबीसी की 62K से लेके 65K के बीच में मान सकते हैं। एमबीसी की काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है, क्योंकि एमबीसी की अपन बच्चों से आइडिया लगाते हैं कि कितने बच्चे हैं, तो वो स्टेट रैंक जब आएगी आपकी तो उसमें पता चलेगा कितने एमबीसी के बच्चे हैं। उसके बाद मैं एक और वीडियो ला दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। तो वीडियो पे आते हैं, तो एमबीसी में 62 से 65K के बीच में जा सकती है, और मार्क्स की अपन बात करें तो 550 से लेके 554 मार्क्स तक आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एससी कैटेगरी की अपन बात करें तो एससी कैटेगरी में 225,000 से 230,000 के बीच में जा सकती है कट ऑफ, और 404 मार्क्स और 406 मार्क्स के बीच में जा सकती है। फिर एसटी की अपन बात करें तो यहाँ थोड़ी सी कट ऑफ हाई रह सकती है, 220K से 225K, मतलब 2,20,000 से लेके 2,25,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, और 406 मार्क्स से लेके 408 मार्क्स के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। ये एससी एसटी की कट ऑफ बता दी मैंने, ये सारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो डाटा एनालिसिस के हिसाब से बनाई गई है, तो इसी के राउंड जा सकती है कट ऑफ, हमारे हिसाब से अनुमान लगाया गया है। लेकिन ये कट ऑफ वेरी भी कर सकती है, क्योंकि ये फुल्ली डिपेंड करती है फाइनेंशियल कंडीशन पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ज़्यादा बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, अगर कम फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो कम कट ऑफ देखने को आपको मिल सकती है, तो ये फुल्ली उस पर डिपेंड करता है। फिर भी हमने ये मोटे मोटे तौर पर अंदाज़ा लगा दिया है, तो इसी के अराउंड जाने वाली है। तो ये था आज के इस वीडियो में, और आप हमसे अगर पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो उसके फीचर स्क्रीन पे दे रखे हैं, हम आपकी बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे देंगे, आपको काउंसलिंग तक लास्ट तक हेल्प करने वाले हैं, तो आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, ओनली 1999 में आपको पेड काउंसलिंग मिलेगी।
तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो ले सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा है उसको फिल करके भी आप ले सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, ऐसे ही आपके लिए काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।